बहुत बहुत धन्यवाद भैया। यहाँ पर बैठे सभी को मेरा तहे दिल से प्रणाम। मैं आदर्श त्रिवेदी रायबरेली से आज अपनी कविता लेकर आया हूँ और मेरी कविता का शीर्षक है दोस्ती। और ये कविता मैंने चार यारों पर लिखी है। कविता सुनाने से पहले मैं अपनी कुछ शायरियों से शुरुआत करता हूँ। मेरी प्रथम शायरी है, सुनिएगा। अपने यारों पर ही है कि हम जिन हवाओं से गुजरते हैं वो हवाएं तूफान बन जाती हैं। हम जिन हवाओं से गुजरते हैं वो हवाएं तूफान बन जाती हैं। मिल जाए कोई रंगीन महफिल तो अपनी अदाएं शाहरुख खान बन जाती हैं। और हम यार कुछ ऐसे हैं कि जिंदगी से जिंदगी की भीख नहीं मांगते। हम यार कुछ ऐसे हैं कि जिंदगी से जिंदगी की भीख नहीं मांगते। जिंदगी खुद जीने के लिए हमारे पास आती है। जिंदगी खुद जीने के लिए हमारे पास आती है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी क्रम में मेरी दूसरी शायरी है कि माना कि थोड़ी बदनाम है दोस्ती। माना कि थोड़ी बदनाम है दोस्ती। हम जैसे पागलों की पहचान है दोस्ती। हम दोस्तों ने दोस्ती की परिभाषा ही बदल दी और लोगों से कह दिया। हमारे दिल की धड़कन और जान है दोस्ती। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी अगली शायरी है, अपने यारों की शरारत पर केंद्रीकृत है। और ये शायरी पेश करता हूँ, सुनिएगा। कि है कंजूस मक्खी चूस मगर यार तो यार होते हैं। थोड़ी गाली थोड़ा गुस्सा उनके अधिकार होते हैं। अगर करना कोई दंगा बता देना हमें मिलकर ऐसे पंगों में हम शाहरुख व अक्षय कुमार होते हैं। अब अपनी शायरियों को यहीं पर रोक कर मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी कविता की तरफ, जिसको मैंने शीर्षक दिया है चार यार। उन चार यारों की शरारतों और उनकी मोहब्बत पर लिखी हुई मेरी ये कविता जो हाजिर है आप सबके सामने। कि जितने भी विद्वान थे हमारी बकबक से सबके दिमाग खाली हो जाते थे। क्योंकि हम चार यार सब पर भारी हो जाते थे। और क्या क्या होता था कि हम चारों के लिए खास हम चार ही थे। एक दूसरों की नज़रों में बेकार भी थे। हमारे एक नहीं दस बारह नाम थे। और सारे नामों का अर्थ इतना सुंदर था कि वो खुद में ही बदनाम थे। उस मस्त मौला जिंदगी में इस कदर झूल गए थे। घर आया तो पता चला कि हम अपना वास्तविक नाम भी भूल गए थे। हर रंगीन महफिल की हम चार एक खुशनुमा किलकारी हो जाते थे। क्योंकि हम चार यार सब पर भारी हो जाते थे। और हमारी शरारतें कैसी थीं कि हम चारों को एक साथ देख लोग हमसे दूर भाग जाते थे। क्योंकि हम थे ही इतने नेक दिल कि उनकी धोने लग जाते थे। छोटों को पेटीज का लालच देकर उनसे अपनी नोटबुक लिखवाते थे। फिर थोड़ी सी उनकी बड़ाई करते, वो पैसे लगाते और पेटीज हम खाते थे। खुद तो खुरापाती थे और उपदेश देने में आगे होते थे। दोस्तों की बात है कि खुद तो खुरापाती थे और उपदेश देने में आगे होते थे। और हमारे समझाए हुए लड़के हमसे एक दो नहीं दस कदम आगे होते थे। एक दिन भी क्लास खाली हो जाता तो हम ही वहाँ के सबसे बड़े अधिकारी हो जाते थे। क्योंकि हम चार यार सब पर भारी हो जाते थे। और एक समय आता है कि दोस्ती
अलग हो जाती है, हम यहाँ वो वहाँ एक दूसरे से अलग थलग। उसके बाद अपनी पंक्तियाँ मैं लिखता हूँ कि माना कि हम इस समय के फेर से मजबूर हैं, माना कि हम इस समय की फेर से मजबूर हैं, यही कारण है कि हम एक दूसरे से दूर हैं। पर वह गुदगुदाती यादें जिनमें हम साथ साथ खिलखिलाते थे, पर वह गुदगुदाती यादें जिनमें हम साथ साथ खिलखिलाते थे, एक थाली में खाते थे, कभी कभी एक बेड पर भी सो जाते थे। आज भी ठंडियों में नहाता हूँ इस डर से कहीं यार मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, आज भी ठंडियों में नहाता हूँ इस डर से कहीं यार मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, जो तोहफा दिया है यादों का उससे तो हम पूरी जिंदगी बिताएंगे। अब मुस्कुराओ भी और याद करो, अब मुस्कुराओ भी और याद करो, कैसे हम मुस्काते फूलों की फुलवारी हो जाते थे, क्योंकि हम चार यार सब पर भारी हो जाते थे, हम चार यार सब पर भारी हो जाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया।